ये वाला हो जाएगा। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में लास्ट वन मंथ में जो भी मेन चीज़ें हुई थी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो डेली व्लॉग तो नहीं पर लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो मैं ऐसे कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इतने मंथ्स के बाद फाइनली मेरा कमरबंद जो है ना वो रेडी हो गया है। बहुत टाइम हो गया है तो आप लोग शायद भूल गए होंगे, जब मैंने बुक किया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था और 4-5 बार मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, अब तक मिला नहीं है। आज देखो मिलेगा या नहीं। गाड़ी यहाँ खड़े खड़े इतनी जल्दी गंदी हो जाती थी ना कि हमने साफ़ करवाने वाला भी लगा दिया जो कि सुबह साफ़ करके जाता है, पर शाम तक यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी आ जाती है ना कि इसे साफ़ किया ना किया बराबर ही लगता है। 2-3 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि रेडी है, आप कभी भी आ जाओ, और मैंने उनको बोला था कि कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं अब सब सही है, जैसा आपको चाहिए था वैसा ही है। तो आज अब देखते हैं सही में वैसा बनाया हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ वैसा तो 4-5 मंथ्स हो गए हैं तो मैं अब नहीं लूँगी। बहुत टाइम दे दिया मैंने इनको, 15-20 दिन में जो चीज़ मिलने वाली थी उसके लिए इन्होंने इतना टाइम लिया है। शाम का टाइम था तो पहले तो आज हम यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए, और ट्रैफिक में ही एक बाइक वाला ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था तो यहाँ से निकलते टाइम उसने गाड़ी आगे से ठोक दिया। वहाँ तो हमने देखा नहीं, जब हम ज्वेलरी शॉप के बाहर पहुँचे तो देखा कि उसने पूरा आगे से डैमेज किया हुआ है। अभी जो लेने आए थे वो तो काम हुआ नहीं था, ऊपर से नुकसान और हो गया था। दिमाग भी बहुत ख़राब हुआ और गुस्सा भी उतना ही आया, पर अब क्या कर सकते थे हम लोग। चलो अब देखते हैं आज कमरबंद मिलेगा या नहीं। अंदर आए थोड़ी देर वेट करने के बाद वो कमरबंद लेकर के आए। पहले तो देखकर सुकून मिला कि चलो फाइनली ये रेडी हो गया है, पर इनको मैंने ये एक्स्ट्रा लटकन के लिए ना मना किया हुआ था, वो भी इन्होंने लगाया है। चलो वो तो हटा देंगे ये लोग। डिज़ाइन वगैरह देखने के बाद मैंने ट्राई किया, मैंने इनको 28 साइज़ बोला था जो कि मुझे 26 फिट आ रहा था, पर मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था इसलिए मैंने 28 बोला था। अब इन्होंने इसका साइज़ कर दिया है 32, 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी लग रहा है। हमने पहले ही सोचा था कि आज यहाँ का किस्सा आर या पार करना है, बार बार हम लोग एक ही काम के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। फिर मैंने एक और ट्राई किया, इनके पास सेम डिज़ाइन में था जिसका 24 लेंथ था, तो वो तो मुझे छोटा आ रहा था। अब इसमें लॉक लगाने के बाद ये एकदम फिटिंग का आएगा, पर अगर मुझे फिटिंग का ही चाहिए होता तो मैं 26 बोलती ना, 28 क्यों बोलती। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बड़े वाले को छोटा करवाती, नहीं तो ये छोटे वाले में ही लॉक लगवा करके ऐसे ही ले लेती। तो बहुत सोच विचार करने के बाद हमने फैसला किया कि हम बड़े वाले को ही छोटा करवा लेंगे। अगस्त एंड में गोल्ड 56-57 के आसपास का था तो वही रेट में मिला है हमें। जिस रेट पे हमने गोल्ड बुक किया था ना वो रेट के साथ मेकिंग चार्जेस मिला के हमें ये 2 लाख का पड़ा, और ये आई थिंक 2 तोला का है, और इसे छोटा करने के लिए इन्हें 30-40 मिनट लगता। तब तक मम्मी भाभी यहाँ पे पायल वगैरह देख रहे थे, मैंने भी टाइम पास करने के लिए इयर रिंग्स वगैरह देखा, इतना खास तो कुछ था नहीं और अब मुझे यहाँ से कुछ लेना भी नहीं था। एक चीज़ के लिए ही हम लोग यहाँ पे इतनी बार आए हैं और वो भी ढंग का नहीं बना है, तो अब कुछ चाहिए होगा तो मैं वो तो यहाँ से नहीं लेने वाली हूँ, कहीं और से ही ले लूँगी। ये घर से इतनी दूर है शॉप पर, मैंने सोचा था कि यहाँ अच्छे से मिल जाएगा, वो तो हुआ नहीं। रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली भी चली गई और ये तब तक हमें ये बना के दे नहीं पाए, टाइम देना यहाँ पे वेस्ट था। इससे अच्छा हम लोग कहीं और दे देते तो जल्दी मिल भी जाता हमें और इतना घूमना भी नहीं पड़ता। सब यहाँ पे देखने के बाद फाइनली वो कमरबंद छोटा करके लेकर के आए। लेने का मन तो मेरा था नहीं, पर जैसे मैं अपने टाइम का सोच रही हूँ वैसे मैंने ये भी सोचा कि किसी की मेहनत लगी है इसे बनाने में तो मैं ले ही लेती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया, वरना आज तो मैं कैंसिल करने के ही मूड में आई थी। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने लिए कुछ भी गोल्ड का बनवाया है। ये लेने के बाद हम लोग आ गए घर। जाने से पहले ही भाभी ने खाना बना लिया था तो आज हम लोगों ने बाहर नहीं खाया। आते आते हम लोगों को 11 बज गए थे और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो चेंज वगैरह करने के बाद सीधा हम लोग बैठ गए खाना खाने। खाने में आज पालक पनीर की सब्ज़ी, रोटी और दाल था। ऐसे ही हमेशा हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। इसके बाद मेकअप वगैरह रिमूव करके मैं सो गई थी। कुछ दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी आसपास कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग है वहाँ जाएं और सैम्पल फ्लैट देखें, उनका प्राइस पता करें कि बजट में है या नहीं। तो यहाँ हमारे घर के पास में एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे बिल्डिंग थी। बड़ा भाई और छोटा भाई यहाँ पे 2-3 महीने पहले आए थे, तो तब तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग देखने जाएंगे। आज हम सब लोग फ्री थे तो हमने सोचा कि चलो देख करके आते हैं कि कैसा फ्लैट है।
यहाँ फोर्थ फ्लोर पे 2 BHK और 3 BHK का सैंपल फ्लैट रेडी था। भाई लोग यहाँ पे फ्लैट देखने आए थे तो 3 BHK का इन्होंने 2.5 करोड़ के आसपास बताया था और 2 BHK फ्लैट का 1.80 के आसपास बताया था। हमारी फैमिली बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले 3 BHK देखा। अभी तो हम लोग रेंट पे ही रह रहे हैं और ये 2 साल में रेडी होगा, तो अगर भगवान की कृपा आप सबका साथ और आशीर्वाद रहा तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे फ्लैट ले पाएंगे। किचन में यहाँ पे प्रॉपर काम हो रखा था, बाकी इसमें जो फ्लैट लेंगे वो ऐसा काम करके नहीं देंगे। उसमें रूम वगैरह जैसा है ये एज इट इज पूरी बिल्डिंग में बना रहे हैं। व्यू भी अच्छा है, जब तक यहाँ पे सामने कोई बिल्डिंग वगैरह या कुछ बन नहीं जाता तब तक तो अच्छा ही रहेगा। और रूम्स भी सही हैं, हम सबको देखते ही बहुत मस्त लग रहा था। इसके साथ में 2 BHK था वो भी देखा हम लोगों ने। मुंबई में जितने में एक फ्लैट आएगा ना उतने में तो हमारे लखनऊ वगैरह में ना महल बन जाएगा, पर हम सब यहीं पे रहते हैं तो यहीं पे ही घर लेने का मन करता है। यहाँ के 2 BHK और 3 BHK में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हॉल रूम किचन बाथरूम ऑलमोस्ट सेम है, बस एक रूम का फ़र्क है। अब जो भी इनमें से बजट में आएगा वही लेने का हम लोग प्लान करेंगे। अब ये दोनों फ्लैट्स जो हैं वो फ्रंट फेसिंग पे हैं। ये व्यू वाले इस बिल्डिंग के जो भी फ्लैट्स हैं ना सारे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। पसंद हमें इसी साइड आ रहा था, अभी पैसे की तो बात हुई नहीं थी। इस बिल्डिंग को रेडी होने में अभी 2 साल लगेंगे। ये सिर्फ सैंपल फ्लैट है जो कि अभी रेडी हो रखा है, अभी बाकी पूरी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन में है। तो इस बिल्डिंग में अगर हमें फ्लैट चाहिए होगा तो 2 साल हमें वेट करना पड़ेगा। सैंपल फ्लैट के अलावा इनका भी 60% काम जो हो गया है, बाकी अभी रॉ है फ्लैट्स और वो इसी कंडीशन में है। जहाँ हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे अटल सेतु सीलिंग काफ़ी पास में है और इस बिल्डिंग से तो और भी पास में, ऊपर से ये कॉर्नर प्लॉट है और इसमें काम वगैरह भी करके देंगे इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बाकी क्या एग्जैक्टली ये लोग चार्ज करेंगे वो तो बात करके ही पता चलेगा। इस बिल्डिंग का जो लोकेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है, तो हमने सोचा कि एजेंट से मिलके एक बार बात करते हैं कि क्या प्राइस है। तो वो तो यहाँ पे आज मिले नहीं, इसके बाद हम सब डीमार्ट चले गए थे राशन वगैरह लेने के लिए और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे। कुछ दिन बाद मैंने कुछ कपड़े और प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर किए थे तो वो अब ट्राई कर लेती हूँ सब सही है या नहीं। सबसे पहला है ये साड़ी शेपवेयर, ये मेरे पास एक ब्लू कलर की साड़ी है उसके लिए मैंने लिया हुआ है। मैं महाकालेश्वर गई थी तब वो पहनने वाली थी उसके साथ, पर मैंने न्यूड कलर का शेपवेयर पहना था और साड़ी जो मेरी है वो ट्रांसपेरेंट है थोड़ी तो उसमें वो विजिबल हो रहा था, तो मेरी बहन ने बोला ये मत पहन ग्रीन वाला पहन ले, तो मैंने ग्रीन कलर का पहना था। अब अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं कौन से ग्रीन कलर की साड़ी की बात कर रही हूँ। ये मैं ब्लू या जो डार्क कलर की साड़ी होंगी उनके साथ वेयर कर पाऊंगी। फिटिंग अच्छी है इसकी, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है, ये मैं पहले ही लेने वाली थी पर इन सब प्रोडक्ट्स पे रिटर्न या एक्सचेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है और मैं साइज को लेकर के श्योर नहीं थी। इस बार मैंने रिस्क लिया और मंगवा लिया है, पर चलो ये भी सही है। नेक्स्ट है ये ब्लैक क्रॉप टॉप, इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया है। मुझे ऐसे टी शर्ट बहुत पसंद है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो मुझे जैसे ही ऐसे टी शर्ट दिखते हैं ना वो मैं मंगवा लेती हूँ। मटेरियल इसका पॉलिस्टर है पर ये सॉफ्ट मटेरियल में है तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट भी क्रॉप टॉप है, इसमें वाइट एंड ब्राउन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सेम ब्रांड के मेरे पास एक दो और क्रॉप टॉप्स हैं और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया है। नेक्स्ट ये मैंने कामा आयुर्वेदा का बॉडी मॉइस्चराइज़र लिया है, ये मैंने स्मॉल पैक लिया है क्योंकि मुझे ट्राई करना है, तो अगर मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं बड़ा पैक लूँगी इसका। इनके मैंने रोज़ वाटर फेस मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो मुझे पसंद आए थे इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। इस बार मैं ये सही टाइम पे पार्सल खोल करके देख ले रही हूँ, कुछ बड़ा छोटा हुआ तो एक्सचेंज या रिटर्न कर पाऊँगी। पिछले कुछ टाइम से जब भी मैं ऑर्डर कर रही थी ना तो मैं सही टाइम पे नहीं देख पा रही थी, तो उनमें से कुछ कपड़े ऐसे होते थे जो मुझे रिटर्न करना होता था या एक्सचेंज करना होता था वो मैं नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट भी टॉप है, इसके स्लीव्स मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और कलर भी बहुत प्यारा है, ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है, इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। कॉटन ब्लेंड है और अगर इसको इन करके पहनो तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी इसे जैसे भी चाहें स्टाइल कर सकते हैं। अब है ये डॉट एंड की का फेस वॉश, इनका वाटरमेलन बैरियर रिपेयर वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, दोनों ही मुझे पसंद आए थे। सीका कामिंग का मैंने क्रीम यूज़ किया है तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये फेस वॉश ट्राई करने के लिए लिया हुआ है। इसी के साथ फॉरेस्ट एसेंशियल्स का मैंने बॉडी मिल्क भी लिया है, ये भी मैं ट्राई करके ही बता पाऊंगी कि ये कैसा है।
इनके भी सनस्क्रीन वगैरह मैंने यूज़ किए हैं, तो वो तो मुझे मस्त लगते हैं। जिस ब्रांड का मुझे एक दो प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना, उनके फिर दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करने का भी मुझे मन करता है। बाकी जिनका पहले प्रोडक्ट या दूसरे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है तो मैं दूसरा प्रोडक्ट ट्राई नहीं कर पाती हूँ। लास्ट में ये दोनों साड़ी हैं, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। रेड में लेना नहीं चाहती थी पर बार बार मुझे रेड ही दिख रहा था, और रेड कलर तो वैसे भी प्यारा लगता है पर रेड कलर में ऐसे मैरिड वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। पर अब पसंद का कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे मंदिर वगैरह जाने में साड़ी वगैरह पसंद है, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है अब तो मैं साड़ी इसलिए ही लेती हूँ। और अभी शिवरात्रि भी आने वाली है तो उस टाइम पे अगर इनका ब्लाउज रेडी हो गया तो मैं ये पहन पाऊंगी। ऐसा मेरे पास ऑरेंज कलर में है जो मैंने भीमा शंकर मंदिर में पहना था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने ये डिफरेंट कलर में लिया है। मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न अलग है पर इसका मटेरियल आई थिंक सेम वैसा ही है। स्पेशली ये मैं मंदिर जाने के लिए खरीदती हूँ कि जब भी मैं किसी मंदिर में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे साड़ी पहनूंगी। वैसे वरना सूट वगैरह है, तो सूट वगैरह तो हम लोग ऐसे नॉर्मली भी पहनते हैं पर जब मंदिर जाते हैं तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये। अब देखते हैं दूसरी साड़ी। ये साइड पे मुझे ब्राउन कलर का दिख रहा था और ब्राउन कलर मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसी साड़ी मैंने लिया नहीं है, हालांकि पहना है। जब मैं छोटी थी मम्मी के पास ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ थी तो तब तो मैं बहुत साड़ी पहनती थी। स्कूल टाइम में मैं ऐसे क्रॉप टॉप के साथ मम्मी की साड़ी पहन करके बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती थी, तो वो फ़ोन तो नहीं है मेरे पास वरना मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखा देती। इसका लेंथ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है पर घर जाऊंगी तो मम्मी और भाभी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। कलर वगैरह सब सही लग रहा है तो मैं दोनों ही साड़ी रखने वाली हूँ। थोड़े दिन बाद मेरे मामा मामी की जो लड़की है ना तितली, उसका बर्थडे था तो सब लोग तो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए थे। बड़ा भाई और छोटा भाई हमारा जो ब्रांड मिस्टर लड्डू है उसके काम से रिलेटेड ये लोग बाहर गए हुए थे, वो ये लोग अभी रात को आए और हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे भाई ने मिस्टर लड्डू ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। आप में से किस किस ने मिस्टर लड्डू के लड्डू ट्राई किए हैं और अगर नहीं किए हैं तो लिंक तो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर ट्राई करना। मेरा भाई उन्हें खुद आपके ऑर्डर पर बनाता है, मेरे तो फेवरेट लड्डू हैं, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे। पहले हम लोग आ गए केक लेने। लास्ट टाइम तितली ने मुझे बोला था कि उसे पिंक केक चाहिए, तो मैं और भाई यहाँ पे उसके लिए पिंक केक ढूंढ रहे थे, फिर एक छोटा सा केक मिला वही हम लोगों ने ले लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई लोग सुबह से बाहर थे और अभी 10 बज गया था तो सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि कुछ हम लोग खा लेते हैं पहले फिर हम लोग जाएंगे मामा मामी के घर पे। हम यहाँ पे ताराचंद में आ गए थे जहाँ हमने पहले भी खाया हुआ है, तो यहाँ खाते खाते अब हम लोगों को यहाँ का खाना अच्छा लगने लग गया है और यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी तो हमने सोचा कि 30 मिनट में हम लोग खा के यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ हमने पापड़, दो सब्जी और अलग अलग टाइप की रोटी ली थी। बड़े भाई को यहाँ पे ये घर जैसी थाली मिलती है ना, ये सबसे अच्छा लगता है उसको, बाकी खाना तो यहाँ का अच्छा है ही। और हाँ, यहाँ पे ये घी वाली रोटी मिलती है, ये भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी लगती है। ये सब खाने के बाद हम लोग आ गए मामा मामी के घर। यहाँ पे सब लोग बर्थडे मना के खाना वगैरह खा के बैठे हुए थे और बाकी जिनको जाना था वो लोग जा भी चुके थे। कहाँ है? नहीं जल्दी खोलो, खोलो, नहीं खत्म हुआ है, जल्दी खोलो, खोलो, नहीं खत्म हुआ है। कहाँ खत्म हुआ है? कैसे खत्म हुआ है? यहाँ पे बर्थडे गर्ल ने गेट खोला। यहाँ पे ये राम है, ये राहुल मामा का बेटा है, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था राहुल मामा को, हम लोग उनके घर पे भी गए थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा मैं कौन से मामा की बात कर रही हूँ। वो मामा लोगों से तो हम लोग मिलते रहते हैं, उनके बेटे से आज हम लोग पहली बार मिले हैं। फिर बहुत ज़्यादा ये थक गई थी तो रोने के बाद मामी ने बहुत बोला तो तितली ने केक कट किया और सब बच्चे लोगों को तो केक पसंद ही है तो उन लोगों ने खा लिया। हम सब रात भर यहाँ बैठ करके ना गप्पे मार रहे थे। अब सब इकट्ठा हुए थे तो शादी के बारे में ही चर्चा होती है और उसी चर्चे के बीच में हम जैसे जो बेचारे यहाँ पे कुंवारे थे ना वो लोग भी फंस गए थे। मेरे पापा के साइड फैमिली में मेरे भाई के बाद मैं ही हूँ, तो उसकी तो शादी हो गई है तो अब मैं ही बची हूँ तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। मेरी शादी की बात हुई तो मुझसे बड़े दो मेरे मामा हैं,
मैं उन पर डाल करके जैसे तैसे मैं तो बच गई, वरना ऐसी महफिल में ना अब बैठने में भी डर लगता है। आप लोगों के घर में भी शादी की बातें होती होंगी ना, और जब आपके ऊपर शादी की बात आती है तो आप क्या कहते हैं और आपका क्या मानना है शादी के बारे में, ये सब मुझे जरूर बताना। पूरी रात यही सब बातें चल रही थी और हम सब लोग जग ही रहे थे। जब 5 बज गए तो हमने सोचा कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं, तो इस टाइम पर हम लोग घर के लिए निकले।